हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बातें करेंगे एक बहुत बहुत खास टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग अंत तक ज़रूर कंटिन्यू करना, स्किप मत करना। मैं कहूँगी आज की टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्किप करोगे तो हो सकता है किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स आप मिस कर गए हो, ठीक है? तो कंटिन्यू ज़रूर करना आज की टॉपिक। तो आज की जो टॉपिक है बहुत ही खास है। जब हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मिलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके साथ हमारे सोल कनेक्शन है, वो हमारे सोलमेट्स है? तो कुछ साइंस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जो पहले वाला साइन है, जो फर्स्ट साइन है, वो है कि आप जब उनके साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, उससे पहले आपने मिला नहीं है उसके साथ, कभी भी बातचीत आपने नहीं की, मतलब आप मीट नहीं किए हैं उनके साथ, ठीक है? आपकी पहली बार मुलाकात है और बातचीत भी आपके साथ पहली बार हो रही है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आप लोग मिले हो, ऐसा फील हो रहा है बातें करके, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी हैप्पी हो रहे हो आप, तो आपको लग रहा है कि इससे पहले आपने मिले हैं, उनके साथ मिलके बातें की है, ऐसा फील हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि आप तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? एक्चुअल में हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेकिन आपकी सोल पहले भी मिल चुका है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके कनेक्शन था, अब इस टाइम में आप मिल रहे हो फिर से इस लाइफ में, ठीक है? तो पास्ट लाइफ में आप जब उनके साथ, उनकी आपके साथ सोल की कनेक्शन था, तो इस टाइम में भी आप मिल रहे हो, तो इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पहली बार नहीं मिल रहे हो। बहुत गहरा कनेक्शन है आपके साथ उनका, आपके सोल के साथ, ठीक है? और बहुत ही अच्छी सोल कनेक्शन है आपके साथ उनका, तो इसीलिए आपको ऐसी फील हो रही है। दूसरा जो साइन है वो है कि जब भी आप किसी भी पर्सन, मतलब जिन के साथ अभी आपकी चल रही है कनेक्शन, तो आप उनके साथ मिल रहे हो, जब भी उनके साथ बातें कर रहे हो, जब भी कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हो उनके साथ आपकी कुछ बातें, तब आपको बहुत खुशी मिल रही है और बहुत बहुत कंफर्टेबल फील हो रही है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि इसके साथ आपकी कैसे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मतलब नया नया पर्सन है, कैसे आप इतनी कंफर्टेबल फील कर रहे हो, इतनी रिलैक्स फील कर रहे हो उनके साथ बातें करके, बहुत अच्छी फील हो रही है आपकी, ठीक है? बहुत अच्छी वाइब्स आप अंदर फील कर रहे हो अपने अंदर। तो इसका मतलब है कि उनके साथ आपकी सोल कनेक्शन बहुत अच्छे से बन गई, आपके सोल उनके सोल बहुत अच्छे से मिल रही है, बहुत अच्छी कनेक्शन हो गई है, या फिर पहले से है आपके सोल के साथ उनके सोल की कनेक्शन, तो इसीलिए आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो रही है और बहुत रिलैक्स मोड पे आप हो और आप बहुत अच्छी गुड वाइब्स भी फील कर रहे हो अंदर, ठीक है? तो ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन जो है वो है कि आप जब अकेले हो घर पे और आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और आपके होठों पे एक स्माइल आ जाते हैं और आप बहुत 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 पॉजिटिव फील करते हो, बहुत गुड फील करते हो, तो आप सोच रहे हो कि क्यों आप फील कर रहे हो उस पर्सन के बारे में, सिर्फ सोच के ही आपको बहुत अच्छी फील हो रही है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप उनके साथ जो भी गुड मेमोरीज पहले था उनके साथ आपने बिताया है, गुड मेमोरीज है उनके साथ, वो बातें सोच के आप अच्छी फील कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, यही से आपको बहुत अच्छी फील हो रही है। कुछ रीज़न नहीं है उनकी कि उनके साथ आपकी कैसे मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज
है इसीलिए आपको फील हो रही है अच्छी से, नहीं सिर्फ सोच रहे हो इसीलिए आपको फील हो रही है, कोई रीजन नहीं है इसकी। तब आप सोच रहे हो कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, एक्चुअल में उनके साथ आपकी सोल की बहुत अच्छी कनेक्शन होंगे, उनके सोल के साथ आपकी सोल की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो इसीलिए आपको ऐसी अच्छी अच्छी फील्स अपने अंदर आ रही है सिर्फ उनके बारे में सोच के, सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच के। चौथा साइन जो है वो है कि ऐसा कोई बात जो बहुत ही प्राइवेट हो आपके लिए, बहुत प्राइवेट हो, ठीक है, जो अभी तक आपने किसी के साथ नहीं शेयर की, किसी के साथ भी नहीं शेयर की, और हो सकता है आपकी किसी भी फैमिली मेंबर जो आपके बहुत क्लोज हो, जिनके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन इस टॉपिक के बारे में हमने शेयर नहीं की, इस प्राइवेट बात के बारे में, और या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी जिनसे आप बहुत सारी बातें करते हो, बहुत फील अच्छी होती है उनके साथ बातें करके, लेकिन फिर भी आपने इस प्राइवेट बातों को उनके साथ शेयर नहीं की, लेकिन ये बात आप इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, मतलब शेयर कर चुके हो या फिर कर रहे हो, तब उस करने के मोमेंट पे आप एक टाइम झटक से सोच रहे हो कि क्यों मैं इनके साथ शेयर कर दी ये बातें जो बहुत ही प्राइवेट था मेरे लिए, जो किसी के साथ मैंने शेयर नहीं की, सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन आप तो ये भी जान गए हैं क्यों मैंने शेयर की, क्योंकि आपके सोल चाहा है, आप अपने सोल चाहा है इसीलिए आपने शेयर की, अपने सोल को सुना आपने कि वो क्या कह रहा है, तो आप शेयर कर दी उनसे, क्योंकि उनके साथ आपकी गहरी कनेक्शन है, अपने सोल के साथ उनकी सोल की गहरी कनेक्शन है, इसीलिए आपने कभी भी दूसरी बात भी नहीं सोचा कि मैं इनके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, आपने झटक से वो शेयर कर दी वो बातें जो आपने पहले कभी भी किसी भी पर्सन को शेयर नहीं की, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो या किसी भी फैमिली मेम्बर हो जो आपके बहुत क्लोज हो, जिनके साथ आपने हर वक्त हर मोमेंट शेयर किए हो, लेकिन ऐसी कोई बात है जो आपने उनके साथ शेयर नहीं की, बहुत ही प्राइवेट था आपके लिए, लेकिन इस पर्सन के साथ आपने शेयर कर दी वो बातें, एक्चुअल में इतनी अच्छी कनेक्शन है आपके सोल के साथ उनके सोल, तो इसीलिए आप ऐसी बातों को बता दी जो आपके लिए बहुत ही प्राइवेट था, ठीक है। जो फिफ्थ साइन है वो है कि आप मन ही मन कुछ सोच रहे हो, या फिर पहले से सोच रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, और आप उस पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तब बातों ही बातों में वो ही टॉपिक आपके साथ बात कर रहा है, और आप बहुत ही आश्चर्य हो जाते हो कि आप सोचो कि मैंने तो उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं की इसके बारे में, सिर्फ मन ही मन मैं सोच रही थी, लेकिन उनको कैसे पता चला, वो कैसे बता रहा है इस टॉपिक के बारे में, तो ये जो हो रही है आपके साथ इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझना, उनके साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्ड हो गई है, आपके सोल के साथ उनकी सोल की इतनी अच्छी कनेक्शन है कि वो बातें उसकी सोल भी जानते हैं, इसीलिए उनके मुंह से बात वो निकल गए हैं जो आप मन में सोच रहे हो, बहुत अच्छी कनेक्शन है उनके साथ आपकी, तो इसीलिए वो बातें उन्होंने मुंह से कह दी, मतलब वो बातें वो बताई आपको, वो नहीं जानते, आपने नहीं बताया, लेकिन उनके सोल के साथ आपकी सोल की इतनी अच्छी कनेक्शन है तो वो बता दी वो बातें सोल की कनेक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे साइन मिल रही है, आप अच्छे से सोचना, देखना, नोटिस करना कि अगर आपको ऐसे साइंस मिल रही है किसी भी पर्सन के साथ बातें करके मिलके, तो डेफिनेटली वो आपकी सोलमेट है, ठीक है, सोल कनेक्शन है उनके साथ आपकी, बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत बहुत गहरा और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, इसीलिए ऐसे साइन आपको मिल रही है देखने को। तो अगर आपको ऐसे पर्सन मिल गई है तो बहुत बहुत खुश हो जाओ, ठीक है, बहुत खुश हो जाओ और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करो, या फिर किसी भी डिवाइन पावर को जिसको आप मानते हो,
चाहे वो सोलमेट सॉरी वो यूनिवर्स हो, स्पिरिट गाइड हो, वो ईश्वर अल्लाह गॉड जिस डिवाइन को आप मानते हो, उनको जरूर जरूर ग्रेटिट्यूड शो करना। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ऐसे कहना, मतलब ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना जिसको भी आप मानते हो। देखना आप और भी पॉजिटिव हो जाओगे, और भी अच्छी वाइब्स आपके अंदर काम करेगी, बहुत फ्रीक्वेंसी लेवल हाई हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से रहोगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगे सारी बातें, आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा आपको, आप डिटेल्स में वो सारी बातें आपको मैंने बता दी, आप समझ भी रहे हो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी आज की बातें तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग नए हो अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं हो, तो अगर आपको ऐसी कंटेंट सुनना जानना पसंद है तो आप ज़रूर जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग बहुत बहुत खुश रहना, बहुत पॉजिटिव रहना। Love you all. Take care. Tata.